आप देख रहे हैं जीएसटी पर सबसे बड़ी कवरेज, और जीएसटी लॉन्च से पहले सभी बड़े मंत्रियों और कॉरपोरेट इंडिया ने सिर्फ जी बिजनेस को चुना है। आपको बता दें कि अपनी बात कहने के लिए जी बिजनेस को चुना गया है, और जीएसटी लॉन्च से पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सर्वसम्मति से 1 जुलाई की तारीख तय हुई है, सभी पार्टियां जीएसटी की तारीख को लेकर एकमत हैं, ऐसे में जीएसटी लॉन्च का विरोध समझ से परे है। सर्वसम्मति से डेट तय हुई 1 जुलाई की, बहुत ज्यादा इसको डेफर करने की गुंजाइश भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दृष्टि से भी अगर 15 सितंबर तक ये नहीं चलता तो फिर दूसरी कोई व्यवस्था रहेगी नहीं देश में, टैक्सेशन का वैक्यूम हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो हम अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए 15 सितंबर से 2.5 महीने पहले इसको शुरू करना और 15 साल की चर्चा के बाद शुरू करना, सर्वसम्मति के बाद शुरू करना, तो ये तो अपनी प्रक्रिया बहुत अच्छी हो चुकी है। बट समवेयर डू यू फील अपसेट कि इतना कंसेंसस होने के बाद भी पॉलिटिसाइज किया गया है? राजनीति में तो हम लोगों को हर परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेजॉरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे कि इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे। कारण ये है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना, और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना है। अगर किसी को किसी प्रक्रिया से बारे में शिकायत है तो सुझाव दे सकता है, उस सुझाव का निर्वाह भी मैं अकेले केंद्र सरकार नहीं करती, सभी राज्य और केंद्र मिलकर इकट्ठा करते हैं, जिसको हम डिसरप्शन शब्द कहते हैं। कोई भी स्टेटस को बदले तो उसको डिसरप्शन कहते हैं। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था, आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था, आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं, और वो बाकी मैचिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। अब इसमें आईटी व्यवस्था है, कई बार ओवरलोड हो जाएगी, ये सब विषय आएंगे, लेकिन आईटी में ये भी सलूशन देने की क्षमता भी है, तो जो आईटी के हिकअप्स आते हैं वो घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, आईटी की यही खूबसूरती है। उसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था है कि बिजनेस करने का तरीका बदलेगा। तीसरा ये है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं, और इसलिए व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा। यू एक्सपेक्ट कंप्लायंस टू इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड? सर्टेनली अ मोर एफिशिएंट सिस्टम लीड्स टू लार्जर कंप्लायंसेस। लेकिन जो पहला साल है उसमें कम से कम रेवेन्यू प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू? मैं अभी नहीं कहूंगा। कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पुराने माइग्रेट करते हैं, कितने नए लोग इसमें आते हैं, कंप्लायंस लेवल कितना होता है, पहले कुछ महीनों में हम थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं समय सीमा का, जब तक लोगों को पूरा अभ्यास ना हो जाए। तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली को, और जीएसटी पर सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है, मिस्टर समीर शाह। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि माना यह जा रहा है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और ये कमोडिटी मार्केट के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती थी क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स होता था, मंडी टैक्स होता था, और इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी कई बार दिक्कतें आती थी, जिससे कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर मामला सामने आता था या फिर और दिक्कतें आती थी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कमोडिटी मार्केट को लेकर के, स्पेशली एग्री मार्केट को लेकर के? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक पंजाब स्टेट की का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक पंजाब में जैसे फूड ग्रेन्स में एक तो वैट है, करंट सिस्टम में आज की तारीख में 5% का वैट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है 3% का, और एक 2% का रूरल डेवलपमेंट सेस है। तो ये पूरा 10% का एक जो क्यूमुलेटिव किटी जो आज एक सिस्टम में है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, फूड ग्रेन्स के लिए हो जाएगा 0%,
और कुछ और कमोडिटी के लिए हो जाएगा 5%। तो ये पूरी एक क्लीन सिस्टम, नेशन वाइड एक क्लीन सिस्टम होगी, जिसके कारण फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होंगे, और एक नेशनल, ट्रूली एक नेशनल मार्केट आर्किटेक्चर का की स्थापना बिल्कुल बिल्कुल होने की बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। इसके बहुत ही ज्यादा यू नो पॉजिटिव इफेक्ट्स है कमोडिटी मार्केट्स के लिए। हाँ, हमारे साथ एसएमसी के सीएमडी डीके अग्रवाल हैं और साथ ही आईपीजीए के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी हैं। डीके जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि आप कमोडिटी मार्केट को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ग्राउंड लेवल पे कमोडिटी मार्केट के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, और ऐसे में कमोडिटी ट्रेड बढ़ेगा ना सिर्फ एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर बल्कि स्पॉट मार्केट में भी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर आ रहा है हमारे यहाँ, और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ हिकअप आए, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। और हमारा देश जो कि एक कमोडिटी प्रधान देश है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा मायने रखता है, और आने वाले समय में मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं, कमोडिटी मार्केट के अंदर भी काफी गति आएगी और फ्यूचर मार्केट के अंदर भी काफी मेरे हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ेंगे। और इस एक्ट की वजह से जो एक ट्रांसपोर्टेशन में और जो इंटरेस्ट मूवमेंट है, और हम जो बात कर रहे हैं कि वन कंट्री वन प्राइस वन टैक्स, ये के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। और मेरा मानना है कि ट्रेड की फैसिलिटेशन के हिसाब से ये कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक कानून हमारे देश में आ रहा है। हाँ, और इसका बेनिफिट पूरी कमोडिटी मार्केट को होगा। जी विमल कोठारी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे मेरा सवाल ये होगा, चूंकि आप ग्रेन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, हालांकि ब्रांडेड अनाज पर 5% जीएसटी तय है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? मिस्टर कोठारी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है मिस्टर कोठारी से, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। मिस्टर कोठारी, आप सुन पा रहे हैं? विमल कोठारी, आपको आवाज आ रही है? विमल कोठारी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ब्रांडेड अनाज पर 5% जीएसटी की दर है, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? बस दालों का सवाल है, दालों पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो इसी दालों पे कोई इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में। हाँ, कि ये जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड है क्या उनको भी लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से काफी इस चीज पे क्लेरिफिकेशन दिया जा चुका है कि जो सिर्फ जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड है उन्हीं पे जीएसटी लगेगी, और बाकी जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड है उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दालों के ऊपर में इसमें कोई खास इम्पैक्ट होगा। हालांकि जिस सरकार को जीएसटी का मूव है ये एक वेलकम मूव है, और ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें कुछ डिफिकल्टी आएगी, ये सबको समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से सरकार को इसमें कॉपरेट करना चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कोठारी आपका, डी के अग्रवाल आपका, समीर शाह जी आपका और नितिन खंडेलवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।